एक शब्द है असूर्यपस्या। असूर्यपस्या बहुत कम लोग आजकल के यंगस्टर तो शायद ही बता पाएंगे, पहले के लोग हो सकता है जानते होंगे। असूर्यपस्या ऐसी स्त्री को कहा जाता है जो कि सूर्य को देखा ही नहीं हो, वो हरदम पर्दे में ही रही, अगर असूर्यपस्या उसका नाम कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि वो इतना प्रोहिबिटेड सोशल कस्टम्स के अंदर में रही है वो, कि उसको धूप नसीब ही नहीं हुआ है, देखी ही नहीं है, धूप में कभी बैठी नहीं है कभी। तो वैसे तो उसका अलग कहानी है, अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेडिकली जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग के हम डॉक्टर भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप बोन्स से ही हम लोग को वास्ता है ज़्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जन के वास्ते, और हम एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं पटना मेडिकल कॉलेज में। तो अक्सर हम अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि लेडीज़ जो आती हैं, खास करके जो सूरज में से जिनको ज़रा भी मोह नहीं है, या सूरज में बैठती नहीं है, कोई काम नहीं करेंगे सूरज में, घर के अंदर ही हरदम रहना पसंद करेंगी, उस तरह के लेडीज़ में, या पर्दा नशीन लोग हैं, उसमें बहुत परेशानी है। और लोगों को बहुत सारा एक स्पेन मैं देखता हूँ, और उसका मेन कारण है वो असूर्यपस्या है। असूर्यपस्या होने के चलते धूप नहीं मिलने चाहिए, और एक लेमैन भी जानता है कि धूप में विटामिन डी मिलता है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज से उसमें विटामिन डी नहीं रहता है, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज रहता है, और ये सनलाइट जब